नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 11 मई 2020 और यहां पर अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जो स्टॉक्स मैंने 6 स्टॉक्स रिकमेंड करता हूं, उसमें आपको किसमें टारगेट आया, किसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक मैंने दिया था दोस्तों हिंद यूनिलीवर का। तो चलिए हिंद यूनिलीवर का चार्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हिंद यूनिलीवर में आपको आज लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। हिंद यूनिलीवर को बाय करने दिया था 2100 के ऊपर, 2100 के ऊपर। देखिए ये शुरू के 5 मिनट की कैंडल पहले यहाँ कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद यहाँ 2181 से ऊपर निकला, 2100 यानी 2100 के ऊपर बाय करना था, तो ऊपर हाई लगा दिया 2115 पहली कैंडल इग्नोर। उसके बाद सेकेंड कैंडल देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उस वक्त तो हमें बाय नहीं करना, हमें बाय नीचे से ऊपर जाते वक्त करना। तो इस कैंडल पे आपने 2100 पर बाय किया होगा। बिल्कुल देखिए एग्जैक्ट 2100 की कैंडल है और पहला टारगेट 2110 का था, जो आपको इसी कैंडल के हाई पॉइंट पे मिल जाता है 2110, और ये गया 2111, यानी एक टारगेट यहाँ पे डन हुआ। सेल करना था 2075 के नीचे, तो देखिए 2075 के नीचे अगर आपने सेल किया तो इस कैंडल पे ऑर्डर ट्रिगर हुआ। पहला टारगेट था 2065 का, जो आपको यहाँ पे मिलता है। दूसरा टारगेट 2055 का था, जो आपको यहाँ पे मिलता है। स्टॉक जो लो लगाया 2051 का, यानी हिंद यूनिलीवर में आपने बाय साइड में भी प्रॉफिट लिया और सेल साइड में भी लिया। दूसरा स्टॉक मैंने दिया था सन फार्मा का, तो चलिए सन फार्मा में देखते हैं सन फार्मा में क्या हो गया, और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हिंद यूनिलीवर में जो है आपको प्रॉफिट हुआ। उसके बाद सन फार्मा की बात करेंगे। सन फार्मा को 472 के ऊपर बाय करना था, शुरू के पहले कैंडल को इग्नोर किया, सेकेंड कैंडल 472 के ऊपर बाय किया, लेकिन नहीं जा पाया, प्रॉफिट नहीं हो पाया दोस्तों। इसमें हमें लॉस हो गया, सन फार्मा में बाय साइड लॉस हो गया। सेल साइड की बात करें तो 465 के नीचे सेल करना था, इस कैंडल ने आपका ऑर्डर ट्रिगर किया। ये पूरी की पूरी मैं मान के चलूंगा 465, ये 465 के नीचे ऑर्डर नहीं आया, 465 यहाँ आया, 465 यहाँ पे हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ। और पहला टारगेट 462 का था, स्टॉक ने 463.50 और 462 का यहाँ पे आपको एक टारगेट दिया, लेकिन 3 बजे दिया। तो मैं उसको ओवरऑल क्या माने तो लॉस ही हो गया है, लेकिन सेल साइड आपको प्रॉफिट देके गया, सेल साइड इसने प्रॉफिट दिया है सन फार्मा ने, और बाय साइड लॉस दिया। अब तीसरा स्टॉक दिया था मैंने टेक महिंद्रा का, तो चलिए टेक महिंद्रा को भी देखते हैं क्या किया टेक महिंद्रा ने। सारे स्टॉक गैप अप आज ओपन हुए। टेक महिंद्रा 540 के ऊपर बाय करना था, पहली कैंडल इग्नोर कर दिया, सेकेंड कैंडल से देखिए हमारा बाय ऑर्डर निकला 540, और पहला टारगेट था इस कंडीशन में हमारे पास 500, पहले स्टॉप लॉस देखेंगे 540 536 का स्टॉप लॉस नहीं कटा, टारगेट था 544 का, हाई लगाया देखिए 543.70 का। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए मैं इसको प्रॉफिट मानूं या लॉस मानूं, ठीक, क्योंकि 25 पैसे से हमारा टारगेट बच रहा है। तो मैं फिलहाल 25 पैसे से अगर टारगेट बच रहा है फिलहाल मैं प्रॉफिट में रखता हूं, लेकिन आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेल करना था 530 के नीचे, तो 530 के नीचे 530 के इस कैंडल ने आपका ऑर्डर 530 कहाँ गया, 530 यहाँ ऑर्डर ट्रिगर हुआ 1:55 पे। पहला टारगेट 526 का था, 27 तक का लो लगाया और वहीं से घूम गया। तो मैं इसको क्या मानता हूँ, मैं इसको फेल मान लेता हूँ। क्या हुआ, फेल हो गया, यानी कि हमें इसमें लॉस हो गया होगा, है ना, हमें इसमें लॉस हो गया होगा या फेल हो गया, लेकिन यहाँ पे एक टारगेट लगभग लगभग आया, इस बात को भी मैं देख पा रहा हूँ। तो आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा अपना। अच्छा, इसके अलावा चौथा स्टॉक जो दिया था वो NTPC का था, तो चलिए दोस्तों NTPC को देखते हैं। बाय करना था 88.50 के ऊपर, पहली कैंडल इग्नोर, सेकेंड कैंडल से निकले हम लोग 88.50, 88.50, 88.50, 88.50, यहाँ पे ऑर्डर ट्रिगर हुआ। ये कैंडल का हाई कितना, 88.50, एकदम 88.50 है ना, एकदम 88.50, और स्टॉप लॉस 87 रुपये का था। देखिए 87 रुपये का स्टॉप लॉस था, इस कैंडल ने जो लो लगाया 87.05 का लगाया। आप देखिए यहाँ पे प्राइस आपको यहाँ दिखेगा 87.05, तो हमारा स्टॉप लॉस बच गया, फिर यहीं से घूमा, यहीं से ये बाउंस किया, और टारगेट जो था 90 रुपये का था, टारगेट 90 रुपये का था, और ये देखिए 89.45 का टारगेट दिया। तो अब मैं क्या मानूँ, इसको प्रॉफिट मानूँ कि लॉस मानूँ, मेरे ख्याल से तो ये प्रॉफिट में ही जाना चाहिए। अच्छा, इस आप लोग मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा अपना कमेंट। और 85 के नीचे सेल करना, तो 85 के नीचे आज गया नहीं, तो सेल ऑर्डर ऐसे भी ट्रिगर नहीं हो पाया। इसके अलावा जो स्टॉक दिया था वो M&M का था दोस्तों, तो चलिए M&M का चार्ट लगाते हैं। और M&M को बाय करना था 390 के ऊपर, पहली कैंडल इग्नोर कर लिया, 390 के ऊपर अगर बाय किया लगभग यहाँ, तो पहला टारगेट था 393 का। तो आपने देखिए क्या किया है, यहाँ पे पहला टारगेट 393 का मिल गया, दूसरा टारगेट था 396 का, इसने हाई लगाया है 395.35 का। तो इसमें भी दोस्तों प्रॉफिट हो गया हमें, M&M में साफ सुथरा दिख रहा है प्रॉफिट हो गया। उसके अलावा जो है
380 के नीचे सेल करना था, 380 के नीचे गया ही नहीं, लास्ट स्टॉक था एक्सिस बैंक का। तो चलिए एक्सिस बैंक को लगाते हैं और देखते हैं क्या हुआ एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक को बाय करना था 385 के ऊपर, गैप अप ओपन हुआ और हमारा बाय लेवल फिर 385 आया ही नहीं, 388 का लो है यहाँ पे, 385 आया नहीं, बात ही खत्म हो गया। सेल करना था 379 के नीचे, 379 के नीचे, 379 के नीचे वो गया है, लेकिन 2:30 बजे 379 के नीचे अगर आपने यहाँ सेल किया हुआ है, हाँ यहाँ पे सेल किया है, तो पहला टारगेट था 376 का, इसने 377 तक का लो लगाया है 3 बजे, तो मुझे लगता है इसमें आपने ट्रेड नहीं कर पाए होंगे। और अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बनाने का कोशिश किया होगा 385 के ऊपर यहाँ पे, तो 385 का लेवल तो आया ही नहीं, यहाँ पे 383 385 के ऊपर लिया होगा, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कट गया होगा दोस्तों। मैं इसमें लॉस मान लेता हूँ, लॉस, ठीक है ना, मैं इसमें लॉस मान लेता हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा। प्रॉफिट हुआ हिंद यूनिलीवर में, प्रॉफिट हुआ सन फार्मा में सेल साइड में, प्रॉफिट हुआ एक टेक महिंद्रा में बाय साइड में, और जो है सेल साइड का इसका खत्म हो गया। एनटीपीसी में प्रॉफिट हुआ, एमएनएम में प्रॉफिट हुआ, एक्सिस बैंक में लॉस हो गया। ये है दोस्तों मेरा अपना स्टॉक ऑफेंस रिव्यू। अगर ये वीडियो आपको ईमानदारी से क्या लगता है स्टॉक ऑफेंस रिव्यू, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।